डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग, नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की खुदकुशी। कोटा में 20 साल के छात्र ने हॉस्टल के अंदर चिंता वाली खबर जो राजस्थान इस साल 8 महीने में 24 जान कोटा में जा चुकी कि सॉरी पापा मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकेगा। कई बार बेहद चिंता वाली खबर जो राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा से आई, जहां हर समय कोचिंग कर रहे छात्रों के खुदकुशी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहा हूं। घर से दूर खुद को साबित करने का दबाव, बढ़ती प्रतियोगिता, कोचिंग का बाजार। हाँ बेटा राजू, हाँ कहाँ तक पूजा बेटा, बहुत देर हो गई ना। वाह वाह ठीक है, आधा घंटा मारी भी बात करा दो। अरे आई जरूर नहीं यार, था ही बात करा दो। अरे राजू मेरे बेटे तू आ गया, खुश रहो खुश रहो। अरे बस बस, और सफर कैसा रहा बेटा? आ गया। और बेटे पेपर वेपर कैसा हुआ? क्या आते ही परेशान करने लग गए छोरे को? अरे बात तुम्हारा छोरा, बस इसे खुश रहो, पानी लाओ इसे पानी ले जाओ। अरे बेटे देख ले रंदे है ना, और सब बढ़िया था रास्ते में? तो आते परेशान मत करो उसे, ठीक है? बात चल बेटा, तू अंदर चल, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूं। ठीक है राजू, मैं चेंज कर लिया बेटा, अरे पानी नहीं लाया आज तक, 10 मिनट हो गए छोड़ना है ना। मुंह तो पी लूं, बैठ जाओ दादा, दे दो जग में, दे बैठ जाओ। तो बेटा कैसे हुए पेपर इस बार? है ठीक ही था। तो बन जाएगा डॉक्टर इस बार? तू है पता नहीं, बस तेरे पे उम्मीद बेटा, पता हो नहीं हो भले यार, तेरे को बनना ही पड़ा है, देख ले तेरी मम्मी को। ये है जो करना जो तनिस करना बेटा, वे रोज करे मांगवा वाला है, एक घर की स्थिति तो तू देख रहे हो कहीं है। कर लूंगा यार मम्मी, मैं परेशान मत करो आप। अरे बेटा मुझे तो तने बस यही रही। देख ले मां को, काम करके बात करो बेटा, देख ले। नमस्ते अंकल। अरे खुश रहो बेटा, नमस्ते आंटी, खुश रहो बेटा। वालों था चाय बनाओ था, चल हम रूम में चलते हैं। अरे भाई तूने तो इस पूरे रूम को कोटा जैसा बना दिया। नहीं यार ये टाइम वेस्ट नहीं, यहाँ पर पढ़ लेता हूँ मैं। और तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? रिजल्ट की टेंशन है यार। क्या टेंशन है यार, इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। नहीं इस बार नहीं हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अरे हो जाएगा यार, मैं 2 मिनट में आया। कहाँ जा रहा है? अरे वो गेट बंद करना भूल गया था। चाय तो पीते जा। बस ये गया ही आया। नयनं छिद्यन्ति शास्त्राणि, नयनं दहति पावकः, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। प्रभु एक वाइल्ड कार्ड एंट्री आई है, पेश करो देखे। ये मैं कहाँ गया? आप लोग कौन हो? राज, यमराज गुप्त, चित्रगुप्त। मैं मेघनाथ। मजाक लग रहा है तेरे को यहाँ पे? शुरुआत किसने की? भला किस एंगल से आप यमराज लग रहे? तुम मनुष्य ने जैसा बना रखा है वैसा तो नहीं दिखते हैं हम तो मनुष्य जैसा दिखना चाहता है ना वैसे दिखते हैं,
चलो तुझे वो रूप भी दिखा देते हैं। अब तो हो गया यकीन? हाँ, हाँ तो चित्रगुप्त डिटेलिंग दो जरा इसकी। प्रभु इसका डेटा तो अभी ब्रह्मदेव के पास है। एक्चुअली इसने क्या आत्महत्या की है, तो इसका डेटा अभी हमारे पास नहीं है। जब इसकी उम्र पूरी हो जाएगी उसके उपरांत हमारे पास इसका डेटा आएगा। जी हाँ, तो काजू? काजू नहीं राजू। अरे तू कोई सी भी जू हो, तू 50-60 साल इधर से निकल, कहीं पे भी इधर उधर भटक फिर आना है ना। फिर कहाँ पर जाऊंगा? तू कहीं पे भी जा, पर अभी निकल इधर से, ठीक है? हाँ इधर आ। क्या हुआ? अभी तो मैं यमलोक में था, अब मैं पता नहीं कहाँ गया हूँ, शायद सपना देख रहा था। सपना नहीं, हकीकत है, यही नर्क है। नर्क कैसे? नर्क मतलब जैसे तू वहाँ नर्क की आग झेल रहा था वैसे तुझे यहाँ सब झेलना पड़ेगा। तू यहाँ सब देखेगा सब सुनेगा पर कर कुछ नहीं पाएगा, तुझे सब सहन करना पड़ेगा यहाँ पे। तू खाना खाएगा तो खाना पत्थर बन जाएगा, तू पानी पिएगा तो पानी रेत बन जाएगा, यही है तेरे को सब झेलना है यहाँ पे। अब तू जा सकता है। जाऊँगा। वहीं अपनों के बीच वहीं सब देख और सहन कर। नमस्ते नमस्ते। तुम अंदर बैठ। नहीं बैठी, कड़िया क्यों यार, नीचे बैठ। शेरा भाई। हाँ रुक रुक, भाभी जी चाय बना रही हो, दिखे थोड़ी मीठा ज्यादा रखी हो, बातें थोड़ी कड़वी होंगी मेरी। मैं आपके पैसे दे दूंगा शेरा भाई, ऐसी कैसी बात कर दी आपने। अरे पैसे तो दे देगा पर जल्दी छा रहे ना मेरे। जल्दी अभी तो मेरे बेटे को गुजरा, आपको भी पता है 1-8 महीने ही हुआ है। बेटा है गया इसीलिए तो मैं जल्दी कर रहा हूँ, क्योंकि देख पहले मेरे पैसे आने का थोड़ा चांस था, अब ना तो पैसे आने का कोई तरीका रहा ना तेरे पास है कि घर बेच देना बेटी पेरा। भाई ऐसे मत करो, ये मेरे बाप दादा की प्रॉपर्टी है। बचाना किसके लिए रे यार, न तो तेरी आगे रोने खाने वाला कोई है न तेरे पीछे कोई है। मोहन भाई अभी के लिए आप मेरी गाड़ी लेते जाओ, मैं बोले आपको चाबी दे देता हूँ। गाड़ी तो मैं ले जाऊंगा बेटी देख, पर मैं मेन फैसला ये घर भी चाहे नहीं पकड़ाएगा है मोहन। भाभी जी थोड़ा पानी भी ला दो, अकेले जाना पानी रख दे। मोहन भाई देख लेते घर का थोड़ा सा, तो 1-8 महीने के लिए इंतजार कर लो मोहन भाई। अरे घर का तो मैं देख लूं, अगर भाभी जी कह दे तो मैं मोहन भाई मैं देख लेता हूं। अरे तुम भी यार तुम जाओ अंदर, मोचा लेके आओ। अरे भाभी जी को क्यों डांट रही हो यार, ये तो मैं खुद पूछ लूंगा। मोहन भाई देख लेते घर का। अरे मैं चल पर प्रभु बंदा किधर? आपके लेफ्ट में बाहर, आपके लेफ्ट में। हाँ तू राजू मुझसे नहीं समझ आ रहा, ये सब मैं नहीं देख सकता। देख बेटा आत्महत्या की है ना तो सहना तो पड़ेगा, ठीक है? अभी निकल यहाँ से, रोज रोज यहाँ नहीं आना है। गेम खराब कर देते हैं। और क्या है यार, किधर है? अभी तो मार के चला गया। अरे आज तो तेरे दोस्ती तेरे बेस्ट फ्रेंड की डेथ एनिवर्सरी थी ना, स्टोरी नहीं लगाई तूने? अरे लगानी है ना यार, मैं तो लगानी भूल गया। गूगल किया तेरा रिजल्ट आया और तेरा तीसरे अटेम्प्ट में हो गया, तो उस खुशी में मैं लगानी भूल गया यार। अरे देख 3 अटेम्प्ट दिए मैंने भी कितना दुख देखा होगा, सोच मैंने भी रिश्तेदारों के घर वालों के कितने ताने से, पर मैंने हार नहीं मानी और देख आखिरकार मेरा तो हो गया। टायर था राजेश, अपने माँ बाप से बाहर बात कर लेता एक बार। अरे अपने दोस्तों से ही बात कर लेता यार, चल तो पानी पिएगा तो पानी रेत बन जाएगा।
तू खाना खाएगा तो खाना पत्थर बन जाएगा। क्या बदतमीजी है ये, इधर तुझसे एक कोने में बैठा नहीं जा रहा चित्रगुप्त, इसको कांटों वाले पौड़े मारे जाए और मेरे भैंसे को नहलवाने का काम भी इससे करवाया जाए। गोबर उठो उससे, दे दो मुझे कुछ भी काम, वैसे भी जिंदगी नरक बनी पड़ी है। जिंदगी जिंदगी बची क्या है तेरे पास, वो तो तेरे खुद खत्म कर ली। तुम वो लैपटॉप का काम करो, कुछ निकलो यहाँ से। जी अभी तो इससे भी बदतर हालत होंगे तुम्हारे। जन्म ईश्वर देता है और मृत्यु भी उसी के हाथ में। जो प्रकृति के विरुद्ध आत्महत्या करता है उसका यही हश्र होता है। और इसे ही क्यों, सजा तो हर उस माँ बाप को भी मिलनी चाहिए जो बच्चों के ऊपर भविष्य की चिंता है इस कदर थोप देते हैं कि उनको आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए ये समय तो तुम्हारा आना ही था। आई एम रियली सॉरी, मुझसे होगी गलती, में बहुत कमजोर पड़ गया था, बहुत। अब कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई भी सजा दे दो पर मैं वित्तीय लोग वापस नहीं जाना चाहता। अच्छा ठीक है, चलो चाय पी लो। भाई बाहर चाय ठंडी हो रही, कहाँ खोया हुआ है? कहीं नहीं। तेरी मम्मी और हम इतनी देर से आवाज दे रहे हैं। चल बाहर टहल के आते थोड़ा सा। तुम अंदर जाओ।